स्टडी कर रहे थे भोजन के अवयव, उसी के अंदर मैंने आपको पहले प्रोटीन बताया था, अब नंबर आता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट के भी हम दो सेक्शन बनाएंगे, एक प्रॉपर्टीज का सेक्शन और एक क्लासिफिकेशन का सेक्शन, और उन्हीं में से एग्जाम रेट में आपसे रेट के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं आपको अगेन प्रॉपर्टीज का सेक्शन बताता हूँ, आपसे मैं कहूँ कार्बोहाइड्रेट के जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CH2O Y। क्लियर? अब क्या होता है कि आपसे मैं इस फॉर्मूले को देखते हैं तो इसका नाम समझ में आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक आ रहा है कार्बन और एक आ रहा है हाइड्रेट, तो दोनों को मिला दे तो क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ पहला पॉइंट जनरल प्रॉपर्टीज का हमें पता चल गया, जो इसके नाम को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपसे मैं कहूँ CH2O Y। देखो, अब आपसे मैं कह रहा हूँ अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है। मैंने आपको प्रोटीन भी बताया था, उसमें एक एक्स्ट्रा तत्व बताया था, कौन सा बताया था, नाइट्रोजन। क्लियर? लेकिन कार्बोहाइड्रेट में तीन तत्व होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो तत्व है वो फैट में भी लिपिड में भी होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 का रहता है, जबकि लिपिड में रेशियो वो नहीं होता है। क्लियर? छोटे छोटे से डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट का विशेष बंध, तो आपसे कहेगा कार्बोहाइड्रेट का स्पेसिफिक बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, आपको मैंने प्रोटीन का बताया था, क्या बताया था बोलो, प्रोटीन का क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपसे मेरे को कार्बोहाइड्रेट का विशेष बंध कौन सा होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर? अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि पेप्टाइड के अंदर कौन सा होता है, एमाइड फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे मेरे को कार्बोहाइड्रेट का विशेष बंध मैंने बताया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं होता, तो मोनोसैकेराइड्स, क्योंकि वो खुद सिंगल यूनिट होते हैं तो उनमें ये बॉन्ड एब्सेंट होगा। तो कभी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि आपसे कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट का स्पेसिफिक बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एब्सेंट होता है, तो आंसर होगा मोनोसैकेराइड। क्लियर? उसके बाद अगर बात करें हम और प्रॉपर्टीज की, तो कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं। आप सब जानते हो कि आप शुगर जो होता है, सुक्रोज जो होता है उसको हम बोलते हैं, तो वो आप उसको टेस्ट देते हैं तो कैसा होता है, मीठा होता है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे। लेकिन आपको मेरे को एक्सेप्ट इसको पॉलीसेकेराइड, अगर आपको कभी पूछा जाए कि कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे नहीं होते यानी टेस्ट लेस होते हैं, तो वो क्या होगा, बोलो पॉलीसेकेराइड, यानी पॉलीसेकेराइड को छोड़कर बाकी कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट जल में क्या होते हैं, घुलनशील। एक्सेप्ट क्या है, बोलो पॉलीसेकेराइड। आपसे मैं कह रहा हूँ पॉलीसेकेराइड, आगे मैं आपको नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको इसके क्लासिफिकेशन बताऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल्स क्या होता है। एक जनरल एग्जांपल की बात करूँ तो सेलेरो को सबने नाम सुना ही होगा, आज तक आपने कभी भी किसी वुड यानी लकड़ी को आपने पानी में डाला तो होता नहीं है। इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर होता है सेलुलोज, एग्जाम्पल होता है पॉलीसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड बोलो इस तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि क्या होता है, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, फिर मैं आपसे कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो हमेशा आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। आपसे पूछा जाए कि 1 ग्राम आपसे मैं कह रहा हूँ किससे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, तो आंसर होगा फैट। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम से ऊर्जा कम मिलती है, लेकिन हमारी एवरीडे मॉर्निंग इवनिंग लंच डिनर जो आपका फूड इंटेक करते हैं उसमें अमाउंट जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा होती है, इसलिए हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। और हमारे श्वसन के द्वारा डिग्रीडेशन के द्वारा हमारा एनर्जी मिलती है, और उसका फर्स्ट सबस्ट्रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जब भी एग्जाम में पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो रासायनिक रूप से केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सीकेटोन होते हैं। क्या मीनिंग हुआ, तो यहाँ एग्जांपल देखते हैं आपसे, मैंने दो एग्जांपल दिए, ग्लूकोज का और एक फ्रुक्टोज का। जब हम उनकी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो ही हमें समझ में आता है कि आपसे मैं कह रहा हूँ कि हम जब ग्लूकोज को देखते हैं तो एक एल्डिहाइड ग्रुप है और रिमेनिंग सारों पर OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप। इट मीन्स इसको मैं कमांडली क्या बोलूंगा, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड। अगर मैं बात करूं कीटोन की, तो उसके अंदर सेकंड कार्बन पे क्या है बोलो, आपसे मैं कहूं कीटोनिक ग्रुप है और बाकी सब पर कौन सा है, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड। इसका मतलब हुआ कि कार्बोहाइड्रेट कोई सा भी हो उसके अंदर ये है कि उनमें एल्डिहाइड या कीटोन में से एक ग्रुप होगा, और जिसको हम बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कार्बोनिल ग्रुप बोल सकते हैं, बाकी सारे के सारे हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं। ओके, तो इसका मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप मोर देन वन होते हैं, इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रो
कीटोन। अब अगर हम बात करें कि जब एल्डिहाइड ग्रुप अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में होता है तो नंबर वन कार्बन पे होता है, और जो कीटोन ग्रुप होता है तो नंबर टू कार्बन पे होता है। तो मैंने यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर बताई, वो आपको अच्छे से पता चल रही होगी। मैंने यहाँ स्टार लगाया, वो स्टार वो कार्बन है जो किरियल कार्बन है, जिसपे चारों ग्रुप अलग है। इसका मतलब हमें देखने में पता चलता है कि ग्लूकोज होता है उसमें कितने किरियल कार्बन होते हैं, चार किरियल कार्बन होता है, जबकि फ्रुक्टोज में कितने होते हैं, तीन किरियल कार्बन होते हैं। ग्लूकोज जो है वो क्या कहलाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, फ्रुक्टोज क्या कहलाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर? और आप ये भी जानते हो ग्लूकोज जो होता है उसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं, उसको ब्लड शुगर भी कहते हैं, फ्रुक्टोज जो होता है उसको फ्रूट शुगर कहते हैं। ये अक्सर आरबीएससी में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताई है वो तो कार्बोहाइड्रेट की जनरल प्रॉपर्टीज बताई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा। तो इसको आपसे मेरे को स्टडी करें, शेयर करें, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।